उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हम पढ़ने समझने जा रहे हैं कुंडली पाठ 300। बेसिकली जो इसका नंबर होगा वो होगा 306। चलिए मैं पहले नक्षत्र बता दूं। तारों का समूह नक्षत्र होता है, टोटल 27 नक्षत्र हैं। अभिजीत को पूर्व आषाढ़ और एक नक्षत्र के मध्य में ले लिया जाता है इसलिए 27 है, लेकिन कुल मिलाकर 88 नक्षत्र हैं। लेकिन चंद्रदेव सिर्फ 87 नक्षत्र तक ही भ्रमण करते हैं। 27 ही मान्य है। 9691965634 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई परेशानी आप पूछ सकते हैं। इस नक्षत्र के बारे में बात करूँ तो इसमें भी शनि और गुरुदेव, इसके जो जो राशि स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं, और शनि की बात करें तो शनि इसके नक्षत्र स्वामी गिने जाते हैं। देखिए शनि और गुरु उत्तराभाद्रपद और पूर्व भाद्रपद दोनों में आपस में शत्रु हैं तो वो अच्छे नहीं माने जाते। तो इस तरह से अगर इनकी पंचधा मैत्री नैसर्गिक बल तत्कालिक मित्रता अगर आप निकाल लेते हैं, और अगर ये मित्र फंसते हैं वहाँ पर और या शत्रु फंसते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि नक्षत्र कैसा फल देने वाला है। पंचधा मैत्री बहुत अच्छे से आपको निकालना आना चाहिए, उस पर वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। गुरु शनि पर डिपेंड करेगा, मीन राशि के अंतर्गत आती है ये। इसके अलावा इसके अगर वर्ण अक्षर की बात करें तो था झा इस तरह के वर्ण अक्षर हैं। उत्तरा भाद्रपद का मतलब होता है बाद में आना, और पूर्वा भाद्रपद का मतलब होता है पहले आना। हवाई किले बनाना, व्यापार नौकरी में सफल होना, परिश्रमी होना क्योंकि शनि है उस परिश्रम कराएंगे ही, धार्मिक नेता, प्रसिद्ध शास्त्रविद, इस तरह के लोग हो सकते हैं। डिपेंड करेगा गुरु और शनि पर। राशि स्वामी गुरु हैं, शनि और गुरु दोनों शत्रु हैं। पंचधा मैत्री जरूर देख लें, मित्र हैं तो बढ़िया फल। कोई काम बिना सोचे विचारे नहीं करते, धर्म कर्म करते रहते हैं, उतार उदार हृदय के होते हैं। अगर शनि शुभ है तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। गुरु और शनि पर मेनली ये डिपेंडेंट राशि होती है, नक्षत्र होते हैं, तो इस नक्षत्र से इतनी चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी। अब नक्षत्रों को क्यों देखना चाहिए, इसके अलावा अध्यात्मवादी, परोपकारी, ज्ञानवान इस तरह के भी लोग हो सकते हैं। तो इस नक्षत्र का जो मेन काम है वो जो दोनों चीज़ डिपेंड करती है नक्षत्र स्वामी पर और राशि स्वामियों पर, हर नक्षत्रों में यही चीज़ होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।